वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। बीटाउन में काफी ज्यादा सुर्खियों में बना रहता है बच्चन परिवार। बच्चन परिवार के सदस्यों को लेकर अक्सर कई चौंकाने वाले राज खुलते हुए नजर आते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम के जरिए एक बार फिर से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन की लाडली प्यारी बेटी श्वेता बच्चन के बारे में। जी हाँ, श्वेता बच्चन नंदा जिन्होंने भले ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम ना रखा हो, लेकिन श्वेता बच्चन नंदा काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती हैं। अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के चलते अक्सर देखने को मिलता है कि श्वेता अपने इंटरव्यूज में कई राज खोलती हुई नजर आती हैं। श्वेता अपने पति बिजनेस टाइकून निखिल नंदा और अपने दोनों ही बच्चों के साथ खुशहाल और बेहतरीन जिंदगी बिता रही है। भले ही अपने काम के चलते श्वेता अपने पति से दूर रहती हैं। जी हाँ, दिल्ली में रहते हैं निखिल नंदा और श्वेता बच्चन नंदा मुंबई में रहती हैं अपने परिवार के साथ। लेकिन इसी बीच देखने को मिलता है कि श्वेता और निखिल नंदा के दोनों ही बच्चे नव्या नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा भी एक दूसरे को लेकर कई राज खोलते हुए देखे जाते हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही अपने एक इंटरव्यू में नव्या ने बात की थी भेदभाव को लेकर कि महिलाओं के साथ किस तरीके से घर में भेदभाव किया जाता है। नव्या ने भी अपने परिवार के राज को खोल दिया। नव्या ने भी बता दिया कि आखिरकार उनकी माँ श्वेता बच्चन नंदा अपने यानी कि उनके भाई के सामने उनके साथ कैसा बर्ताव करती है। नव्या ने उस वक्त बताया था कि जब भी उनके घर पर गेस्ट आते हैं उस दौरान श्वेता बच्चन नंदा यानी कि उनकी माँ उनके साथ कैसा बर्ताव करती हैं। वह कहती हैं कि जब भी गेस्ट आते हैं तो सब कुछ मुझे संभालने के लिए कह दिया जाता है, लेकिन मेरे भाई से नहीं कहा जाता। ऐसा मैंने जॉइंट फैमिली में अक्सर देखा है। लेकिन अब बहस हो चुकी है श्वेता बच्चन और अगस्त्य नंदा की नव्या नवेली नंदा से। रिसेंटली श्वेता ने इस बात का खुलासा किया है। आइए जानते हैं क्या कहती हैं श्वेता, किस तरीके से माँ और बेटी के बीच अब बहस हो गई है अगस्त नंदा के चलते। देखिए ये रिपोर्ट। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की लाडली प्यारी नाते नव्या नवेली नंदा ने भले ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम ना रखा हो, लेकिन नव्या चर्चा का विषय बनी रहती हैं। वेल, आपको बता दें, नव्या ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम ना रखकर ये फैसला लिया कि वह अपने पिता बिजनेस टाइकून निखिल नंदा के बिजनेस में उनका हाथ बटाएंगी। इसके अलावा नव्या आरा हेल्थ के नाम से हेल्थ प्लेटफॉर्म को भी चला रही हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने इस पेज को लेकर खुलासा किया और इस पेज पर नव्या नए काम से जुड़ी कई अपडेट्स भी देती रहती हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन 16 फरवरी साल 1997 में बिजनेस टाइकून निखिल नंदा के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। जी हाँ, निखिल नंदा जो एस्कॉर्ट्स ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इस कंपनी को वह बखूबी संभाल रहे हैं। नव्या भी अपने पिता का बिजनेस में हाथ बटा रही हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि जल्द ही नव्या के भाई यानी कि श्वेता बच्चन और निखिल नंदा के बेटे अगस्त्य नंदा बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रख लेंगे। आए दिन मुंबई में उन्हें कहीं ना कहीं स्पॉट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जोया अख्तर उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में लॉन्च करने जा रही हैं। इसी दौरान देखने को मिला है कि नव्या ने बीते कुछ समय पहले ही अपने इंटरव्यू में ये खुलासा किया है कि किस तरीके से परिवार में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, नव्या ने बताया है कि कैसे उनके परिवार में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। नव्या ने कहा था कि मैंने ये चीज अपने घर पर भी देखी है। जब भी कोई गेस्ट घर पर आता है तो मेरी माँ हमेशा मुझको ही कहती हैं कि ये लेकर आओ वो लेकर आओ। होस्ट की भूमिका मुझे ही निभानी पड़ती है। मैं समझती हूँ कि वो ये काम भाई अगस्त्य से भी करवा सकती हैं, लेकिन वो नहीं करवाती हैं। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया और बताया कि जब आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ये चीज़ें होना लाजमी है। बेटियों को सिखाया जाता है कि उन्हें घर कैसे चलाना है।
नव्या ने बताया कि गेस्ट को कैसे अटेंड करना है और ये चीज़ें सिर्फ घर की बेटियों को ही सिखाई जाती हैं। मैंने अपनी माँ को मेरे भाई के साथ ऐसे बिहेव करते हुए कभी नहीं देखा है। नव्या ने इस तरीके से अपनी माँ श्वेता बच्चन नंदा को लेकर खुलासा किया। और इतना ही नहीं, नव्या ने ये सवाल भी उठाया कि अगर घर की बेटियों को इस तरह की चीजें सिखाई जाती हैं तो बेटों को क्यों नहीं, यंग बॉयज को भी ये सब करना आना चाहिए। जब लड़कियों को ये सब सिखाया जाता है तो उनके मन में शुरू से ही ये बातें डाली जाती हैं कि घर का काम और घर की देखभाल सिर्फ लड़कियों को ही करनी होती है। इस तरीके से नव्या नवेली नंदा ने अपने परिवार को लेकर ये राज खोल दिए और बताया कि आखिरकार उनकी माँ श्वेता बच्चन नंदा कैसे बिहेव करती हैं। लेकिन अब श्वेता ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि वह नव्या के साथ कितनी सख्त है। जी हाँ, नव्या के साथ बिहेव को लेकर श्वेता ने चुप्पी तोड़ दी है। श्वेता ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि ये वास्तव में वह थी जिसने सारा काम किया, जबकि दोनों बच्चे बस प्यारे दिख रहे थे। हमारा उसके साथ एक बड़ा तर्क था, नव्या, अगस्त्य और मैं, आप हमारे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, हमारा घर इस तरह से काम नहीं करता है। इतना ही नहीं, नव्या ने कहा था कि श्वेता बच्चन उन दोनों के साथ बहुत ही निष्पक्ष है और दोनों बच्चों को घर पर मदद करने के लिए भी कहा जाता है। वेल, जहां एक तरफ नव्या ने अपने इंटरव्यूज में तमाम आरोप लगा डाले अपनी मां श्वेता बच्चन नंदा पर, जी हां, उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन अब श्वेता ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। वह कहती है कि अगस्त्य की तुलना में वह नव्या पर कुछ ज्यादा ही सख्त है। वह कहती है कि मेरी माँ मुझसे कहती है कि तुम अगस्त्य की तुलना में नव्या पर अधिक ही कठोर हो। इतना ही नहीं, नव्या ने कहा था कि ये सच है, मैं इससे शत प्रतिशत सहमत हूँ। ये समझाने की कोशिश करते हुए वह ऐसा क्यों करती हैं, श्वेता ने बताया कि मुझे लगता है ये महिलाओं के लिए बहुत ही कठिन है, खासकर भारतीय महिलाओं के लिए। उन्हें मजबूत चीजों से बनाना होगा, ये एक सुरक्षात्मक प्रवृत्ति है। मुझे उन लड़कियों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाना है जिनका आप सामना करने जा रहे हैं। इसी वजह से श्वेता बच्चन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए नव्या के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। वेल, आप सभी ने जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार श्वेता नव्या के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हैं, क्योंकि वह नव्या को आगे बढ़ते देखना चाहती हैं कि नव्या हर मुश्किल का डट कर सामना करे। एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते वह कभी भी पीछे नहीं रहे और नव्या एक बेहतरीन मिसाल देती हुई नजर आए। वेल, आपको बता दें, श्वेता बच्चन के बारे में एक राइटर और एक मॉडल के तौर पर उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में श्वेता ने भले ही कदम नहीं रखा है, लेकिन श्वेता अपने पति निखिल नंदा से दूर रहती हैं मुंबई में सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशनल करियर की खातिर। आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए माँ और बेटी के इस खूबसूरत और प्यार भरे रिश्ते के बारे में। वेल, जहाँ एक तरफ नव्या ने भेदभाव को लेकर बात की, लेकिन श्वेता अपनी बेटी नव्या से बेहद प्यार करती हैं। नव्या एक बिजनेस वुमेन के तौर पर जानी जाती हैं और अपने पिता के बिजनेस में भी वह हाथ बटा रही है, लेकिन अगस्त्य नंदा बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू को लेकर इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में आज इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।